बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं आपकी 11th की बोर्ड एग्जाम 3 तारीख से शुरू होने जा रहा है इसी महीना में। तो हम लोग समझेंगे काफी विद्यार्थियों के मन में जो प्रश्न चल रहा है कि क्लास 11th का एग्जाम किस रूप में होगा, प्रश्न पत्र कैसे आएगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, और उसके साथ साथ एग्जाम देने क्या क्या लेकर जाना है, एग्जाम का रूटीन क्या है, किस दिन किस विषय का एग्जाम है। अर्थात कि अगर आप भी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो आपके 11th की एग्जाम जो आपके कॉलेज के स्तर पे होगा उसकी शुरुआत होने जा रहा है 3 तारीख से। तो समझ लेते हैं कि क्या क्या रूटीन है और आपके द्वारा जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ है कमेंट के माध्यम से, 11th के एग्जाम को लेकर काफी प्रश्न आ रहा था तो उन सभी प्रश्नों की जवाब हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम कब से कब शुरू होगा, रूटीन क्या है। तो 3 मई से आपका एग्जाम हर एक लगभग कॉलेज में शुरू होने जा रहा है क्लास 11th का। अगला प्रश्न, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो पूरे 11th के सिलेबस से, वार्षिक परीक्षा है तो इसलिए जितने भी 11th का सिलेबस है पूरे सिलेबस से प्रश्न आएगा, एनुअल एग्जाम है क्लास 11th का, इसका सिलेबस वगैरह इस पूरा 11th का सिलेबस है। परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर, तो जिस भी प्लस टू विद्यालय या महाविद्यालय में आपका नामांकन हुआ है उसी प्लस टू विद्यालय और महाविद्यालय में जाकर आपको परीक्षा देना, अर्थात कि जहां पे आपका नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर है, कहीं पे सेंटर इसका नहीं बनाया गया। किन किन छात्र छात्राओं को सम्मिलित होना जरूरी है, तो जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है 2024 के इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए उन सभी छात्र छात्राओं को इस परीक्षा में भाग लेना जरूरी हो जाता है। अब आपके लोगों की तरफ से जो प्रश्न प्राप्त हो रहा है इसका प्रश्न पत्र वगैरह या किस रूप में परीक्षा होगा, तो देखिए और क्या क्या लेकर जाना है, तो क्लास 11th के एग्जाम देने आपको बस अपना जो भी आपका अगर नामांकन का कोई रसीद वगैरह जो आपको मिला होगा एडमिशन कराते वक्त उसको आप लेकर जा सकते हैं, कोई भी एक पहचान पत्र आपको लेकर जाना है जो बताए कि आप उस प्लस टू विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। काफी प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय में कुछ एग्जाम भी लिया जाता है, लेकिन भी डिपेंड करता है कि आप किस विद्यालय या महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां से आकर आपको पता करना होगा, इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। चलिए रूटीन जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कि रूटीन इसका क्या है, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। तो 3 मई से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है, 17 मई तक एग्जाम चलेगा। मैं बता दिया क्या लेकर जाना है, तो कोई भी एक प्रूफ के तौर पर आप कोई भी चीज लेकर जा सकते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ आप इसी स्कूल कॉलेज में आपका इंटर में नामांकन हुआ है। पहले क्या होता था कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाता था तो वही आपके लिए प्रूफ था, लेकिन अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया नहीं है तो कोई भी नामांकन का रसीद होगा या रजिस्ट्रेशन कराए होंगे उसका फोटो स्टेट होगा कुछ भी आपके पास होगा तो एक प्रूफ के तौर पे लेकर जा सकते हैं, या अगर हो सकता है आपके प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय में एग्जाम फी लगता होगा तो एग्जाम फी जमा किए होंगे तो उसका रसीद मिला होगा तो आपको लेकर जाना, इसका कोई एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाता है, ये इंटरनल एग्जाम है। देखिए यहां पे लिखा जा रहा है कि एग्जाम जो है इंटरनल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम का मतलब कि आपके जिस विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन है उसी विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन होगा, वहीं पे कॉपी, वहीं पे आपका एग्जाम होगा, वहीं पे कॉपी जांच होगा, अर्थात कि इसका कोई भी बोर्ड के एग्जाम से ताल्लुकात नहीं है। एक आपके मन में प्रश्न आ सकता है इसमें फेल होगा रहा करने पे क्या होगा, तो इसमें कोई भी फेल नहीं करता है, अगर आप एग्जाम में उपस्थित हुए तो आसानी से आपके स्कूल कॉलेज आपको 12th में प्रमोट कर देता है, 9th में 11th के एग्जाम में कोई भी छात्र छात्राएं फेल नहीं करते हैं, तो आपको चिंता नहीं लेना है, सिर्फ आपको जाकर एग्जाम में एपियर हो जाना है, एग्जाम में सम्मिलित हो जाना है। किस दिन किस विषय का एग्जाम है, तो लगभग सभी स्कूल कॉलेज में यही रूटीन फॉलो हो रहा है, 3 मई से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। 3-5 के दिन आपके फिजिक्स का एग्जाम है, आईएसई का और आईए का सोशियोलॉजी है और आईकम का अकाउंटेंसी है, फिर 4-5 के दिन आईएससी का केमिस्ट्री है और आपका आईए का फिलोसफी और आईकम का बिजनेस स्टडी है, फिर 6 के दिन आईएससी वाले छात्रों का जो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से पढ़ाई करें मैथमेटिक्स है और आर्ट्स वालों का होम साइंस है और इनका ईपीएस है आपके कॉमर्स वालों का। चलिए यहाँ पे और देख ले रहे हैं 8 के दिन कोई किस किस विषय का यहाँ पे एग्जाम होगा, तो 8 के दिन आपका एग्जाम है, देखिए आईएससी वालों का बायोलॉजी और आईए का इतिहास है, हिस्ट्री है, आईकम का एग्जाम नहीं है। 9-5 के दिन आईएससी आईकम और आईए सभी का हिंदी विषय का एग्जाम होगा। 10 के दिन सभी का आईएससी आईए आईकम का इंग्लिश होगा। 11 के दिन आईए आईकम आईएससी का इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर जो छात्र लिए उसका एग्जाम होगा। 12 के दिन सिर्फ आर्ट्स का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का आपका। 13 के दिन फिर आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है भूगोल का। 15 के दिन आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है। 16 के दिन म्यूजिक कंप्यूटर साइंस जो भी छात्र कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं वो एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा 16-17 के दिन चलेगा। यहाँ पे देख लीजिए पूरा रूटीन है। मन में प्रश्न आया कि इसका रिजल्ट वगैरह, देखिए मैं बता दिया कि इसका रिजल्ट वगैरह आपके स्कूल कॉलेज के स्तर पर आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है, आपका कॉपी जांच करता है कि नहीं, अर्थात इसको इस एग्जाम का टेंशन आपको थोड़ा सा भी नहीं लेना, बस आपको जाकर
एग्जाम में एपियर हो जाना है। जो आपको प्रश्न का जवाब आता होगा उसको लिखिएगा, जो नहीं आता होगा उसको भी लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। आंसर राइटिंग समझिए आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, वहां पे सीख ले रहे हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये इंटरनल एग्जाम में इसमें कोई भी फेल पास नहीं करता है अगर आप सिर्फ एग्जाम में सम्मिलित हो जाते हैं तो। लेकिन एग्जाम में जरूर सम्मिलित होइएगा क्योंकि एग्जाम आपके लिए जरूरी है। पर जैसे आप मैट्रिक में थे कि इंग्लिश का एग्जाम में बैठना जरूरी है, उसमें फेल पास से आने वाले बोर्ड एग्जाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह 11th का इंटरनल एग्जाम इससे 12th के एग्जाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम है कि आपको 12th में प्रमोट कर दिया जाएगा एग्जाम में आप सम्मिलित हो जाते हैं तो। उम्मीद कर रहा हूं 11th के एग्जाम के टेंशन से आप मुक्त हो चुके हैं। अब चलिए, आपके अगर रूटीन नहीं मिला होगा अभी तक तो 3 से आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो कैसे आप रूटीन डाउनलोड करेंगे वो भी मैं सिखा दे रहा हूं। इसके लिए देख लीजिए मैं काम यहां पे करके दिखाने जा रहा हूं। उसी तरह अपने मोबाइल फोन का आपको स्क्रीन समझना है। अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहां पे देखिए सर्च बॉक्स मिल जाएगा। इस सर्च बॉक्स में आना है और जो आपको लिखा हुआ आ रहा होगा इस तरह AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा आपके मोबाइल फोन पर। arcareerpoint.com वेबसाइट जो आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा होगा इस तरह .com वेबसाइट पे सिंपल सा आपको यहां पे क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट आपके मोबाइल फोन में इस तरह ओपन हो जाएगा और यहां पे मिल जाएगा सबसे ऊपर BSCB अपडेट। और BSCB अपडेट में देखिएगा कहां पे आ गया है 11th एग्जाम। तो यहां पे देखिए BSCB क्लास 11th एग्जाम 2023 रूटीन यहां पे देख रहे हैं। तो सिंपल सा आपको इसी में BSCB अपडेट में आना और यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 11th एग्जाम को लेकर जो 3 मई से शुरू होने जा रहा है एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन है सभी जानकारी यहां से पढ़ सकते हैं। एग्जाम का रूटीन जो मैं आपको दिखा रहा था यहां पे देखिए एग्जाम का रूटीन वगैरह यहां पे दिया गया है, तो यहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा स्क्रीन डाउनलोड करने का। यहां पे देख लीजिए 11th एग्जाम रूटीन 2023 यहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप 11th एग्जाम के रूटीन को समझें कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूं कि इस एग्जाम के टेंशन से आपको विमुक्त हो जाना है, सिर्फ आपको जाकर एग्जाम में सम्मिलित जरूर हो जाना है, बस 12 में नामांकन हो जाएगा, इसमें कोई भी फेल पास नहीं करता है। अगर रूटीन आपको अभी तक नहीं मिला है क्योंकि आप उसी दिन एग्जाम देने जाएंगे जिस विषय का एग्जाम होगा और आपके स्कूल कॉलेज में जिसमें आपका नामांकन हुआ है उसी में कोई भी एक नामांकन प्रूफ के तौर पर लेकर कुछ भी लेकर आप जाइएगा, आपका आराम से एग्जाम हो जाएगा। अगर एग्जाम फी वगैरह लगता होगा तो उसी दिन आप जमा भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं। पूरा इंटरनल एग्जाम है अपने विद्यालय के स्तर पे। तो AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा .com वेबसाइट पे आगे और BSCB अपडेट वाले सेक्शन में यहां से आप रूटीन देख लीजिए कि आपका किस दिन किस विषय का एग्जाम है, उसी दिन उस विषय का आपको एग्जाम जाकर दे देना है स्कूल कॉलेज में। तो यहां से आकर देख लीजिए, और कोई आपके मन में कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।